दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी लुक्स के बारे में। आज हम बात करेंगे टैलेंट के बारे में, क्योंकि आपके लुक्स के बाद नंबर आता है आपके टैलेंट का। आप कहीं गए काम मांगने, या आपने अपने कहीं फोटो मेल किए, प्रोफाइल भेजा, आपके लुक्स के अकॉर्डिंग कोई कैरेक्टर आपके ऊपर सूट हुआ और आपको ऑडिशन के लिए बुला लिया गया। जब ऑडिशन में आप जाएंगे और कैमरा रोल होगा और एक्शन बोला जाएगा, उसके बाद जो चीज काम आएगी वो है आपका टैलेंट। आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या आपको आता है, क्या नहीं आता है, ये चीज कुछ भी मैटर नहीं करती। मैटर करती है वो चीज जो कैमरा रोल होने के बाद आप कैमरे के सामने परफॉर्म करते हैं। इस लाइन में कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता है, कोई बायोडेटा नहीं मांगता है, बस कैमरा रोल होने के बाद आप क्या परफॉर्म करते हैं वो चीज मैटर करती है। और टैलेंट का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आप में टैलेंट नहीं है, आप एक्टिंग नहीं जानते, आप एक्टिंग की आर्ट को नहीं जानते, तो फिर यहां पे सब चीजें बेकार है। आपके लुक्स की भी कोई वैल्यू नहीं है, आपका रहना, यहाँ घूमना फिरना, स्ट्रगल करना, ऑडिशन देना, पोर्टफोलियो, आर्टिस्ट कार्ड, शोरी, इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि आपको जो काम मिलेगा आपके टैलेंट के ऊपर मिलेगा, जो आप ऑडिशन में परफॉर्म करेंगे या जो आप शूटिंग में जैसे परफॉर्म करते हैं। सपोज कहीं आपको डायरेक्टली शूट पर बुला लिया जाता है, वहाँ आप जो भी शूटिंग में परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम। टैलेंट से मेरा मतलब यह है कि आपको एक्टिंग की नॉलेज क्या है, कॉन्फिडेंस कितना है, एक्टिंग की कितनी समझ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको, एक्टिंग का जो टैलेंट है उसको हम किसी भी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते। एज एन एक्टर बॉम्बे में सस्टेन करने के लिए, टिकने के लिए, बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए टैलेंट का होना बहुत जरूरी है। बाकी सब चीजों की कमी पूरी हो सकती है, लेकिन टैलेंट की कमी पूरी नहीं हो सकती। बाकी ठीक है, आपके लुक्स थोड़े बहुत इधर उधर हैं या जो भी है, बट आप टैलेंट को किसी चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते।